पूरा देश भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से जुड़े हुए संसदीय सीट को देख रहा है। 5 वर्ष में जिस निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की सेवा की, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बहुत सुदृढ़ किया, भारत के विकास को एक नई गति दी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक, महिलाओं तक और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर दो ही नारे गूंज रहे हैं, एक मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो मुमकिन है। इन दलों की निष्ठाएं देश के प्रति क्या थी, इसी से समझ सकते हैं। चुनाव आता है, ये लोग जाति के नाम पर देश को बांटते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, लेकिन जब योजनाओं का लाभ देने की बात आती है तब इन्हें जाति नजर नहीं आती, तब इन्हें समाज नजर नहीं आता, गरीबी नजर नहीं आती, तब अपना परिवार नजर आता है। अजहर मसूद जिसको 20 वर्षों में वैश्विक आतंकवादी कांग्रेस नहीं बना पाई, मोदी जी ने उसे वैश्विक आतंकवादी बना करके आज दुनिया में उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और यही नहीं, ये मान के चलिए अजहर मसूद की भी गिनती, उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। एक दिन आप भी देखेंगे ओसामा बिन लादेन की तरह अजहर मसूद भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। आज दुनिया के हर आतंकवादी को मालूम है कि अगर भारत के अंदर कोई दुस्साहस करेगा तो नया भारत है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी ऐसी हरकत करोगे जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा तो मोदी जी पाताल से भी निकाल लेके आ जाएंगे, और अगर पाकिस्तान में छुपोगे तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे। 5 वर्ष में आपने देखा पूरे देश के अंदर आतंकवाद की स्थिति कम हुई है, और कम की क्या स्थिति, आज तो स्थिति यह है प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण करते हैं कुशीनगर में और इमरान खान को पसीना छोड़ता है इस्लामाबाद में कि न जाने कब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस जाए। कांग्रेस की सरकार आती है तो घूम फिर करके एक परिवार सारी योजनाओं का लाभ ले लेता है और नए नए काका मामा ढूंढ लेते हैं, नया महाभारत खड़ा करते हैं। महाभारत में आपने एक शकुनी मामा सुने होंगे, महाभारत देखा, उसमें एक पात्र था शकुनी। ऐसे ही कांग्रेस के एक मामा हैं और उस मामा का नाम है क्रिश्चियन मिशेल। बहन जी ने तो अपने ने बहुत बड़ी हवेली बना दी, बहुत बड़ी हवेली बना दी, राजा महाराजा की हवेली उनके सामने फेल, और यही काम बबुआ भी कर दिया था। सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके सरकारी इमारत को भवन नमा बना दिया, राजमहल जैसा बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खाली करवा दिया। बबुआ उससे भी एक कदम और आगे बढ़ा, उस टोंटी उठा करके लेके चला गया। टोंटी चोरी करने वाले और टहल चोरी करने वाले क्या गरीबों का हित कर पाएंगे? मैं पूछता हूं कुशीनगर के वासियों से, क्या ये देश का हित कर पाएंगे, गरीबों का हित कर पाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने मकान किसी की जाति देख करके दिया क्या? मोदी जी ने शौचालय किसी की जाति देख करके दिया क्या? मोदी जी ने विद्युत के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन किसी की जाति देख करके दिया क्या? और 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा किसी की जाति देख करके किया क्या? जब मोदी जी जाति देख करके किसी को योजना का लाभ नहीं दिए, किस आधार पर दिए? गरीब को दिए, किसान को दिए, नौजवान को दिए, महिलाओं को दिए, समाज के प्रत्येक तबके को दिए, विकास सबका, तुष्टिकरण किसी का नहीं। मोदी जी कह रहे तो पूरा देश 130 करोड़ की आबादी उनका परिवार है, उन्होंने जाति नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखा, देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, और तो और ये जो अपने परिवार का पेट भरने वाले लोग हैं, अपने परिवार के लिए अरबों खरबों की संपत्ति, जमीन देश में, विदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, सब जगह इन्होंने जो अर्जित की है, उन्हें भय यही है कि अभी तो मोदी जी
मामा क्रिश्चियन को ही मिशन क्रिश्चियन मिशन को ही इटली से पकड़ कर लाए हैं। एक बार मोदी जी फिर से आ जाएंगे, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं ये ना हो कि जो इतनी अपूर्व संपत्ति हम लोगों ने जनता का लूट करके रखा है, मोदी जी कहीं उसको जब्त करा करके हमारे भी जेल जाने का रास्ता ना खोल दे। इसलिए मोदी जी को रोकना चाहते हैं। जो काम द्वापर में भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था, वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर के एक बार एक आदर्श देश के अंदर रखा कि देश के अंदर कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, एक तरह मोदी जी का व्यक्तित्व है लोक कल्याणकारी, राष्ट्र कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, राष्ट्र को सुरक्षा और सुदृढ़ता प्रदान करने वाली, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा बसपा है विनाशकारी, विभाजनकारी, अनिष्टकारी, अराजकताकारी, और देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। आपके कुशीनगर जिले के जितने मुसर जाति के लोग हैं, सबके लिए मकान स्वीकृत किया, हर गरीब के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल नहीं मिले मिला करेगा। आज तो बिजली मिल रही होगी, बिजली मिल रही है ना, यही परिवर्तन है। उनके समय में बिजली की भी चाती होती थी, बिजली का भी मत और मजहब होता था। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ कार्य हो रहा है, और इसलिए भाइयों बहनों हम सब आपके पास आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे थे सुरक्षा के बारे में क्या होगा, मैंने कहा भी देखो सुरक्षा की इससे बड़ी गारंटी नहीं हो सकती है। मायावती जी की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़े खतरा बने हुए थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, आज उसी मंच पर मायावती जी जाके भाषण चढ़कर के भाषण दे रही है, सुरक्षा की इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है। ये सबसे बड़ी गारंटी तो है कि गुंडे भयमुक्त, यानी गुंडे भी दुम दबा करके आज अगर हैं तो दुम दबा करके रह रहे हैं, और इसलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा, और इसीलिए भाइयों बहनों कुशीनगर इस लोकसभा सीट पर, इहाटा विधानसभा की सीट है, प्रधानमंत्री जी अभी परसों ही कप्तानगंज में आए थे। इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री विजय कुमार दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी विजय दुबे जी को कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला वोट सीधे मोदी जी को जाएगा। आप सब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो देश की आवाज है कि फिर एक बार, आप भी सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं, मोदी जी देश को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, एक भारत सुरक्षित होना चाहिए ना, भारत समृद्ध होना चाहिए ना, भारत खुशहाल होना चाहिए ना, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए, बनने चाहिए। 19 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे सभी लोग, इधर 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 सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हाथ खड़ा करके बोलेंगे, बताएंगे सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।